हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं बहुत टेस्टी मैंगो पुडिंग की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चलिए इसे कैसे बनाते हैं तो हम मिलकर देखते हैं। तो ये देखिए, मैंने एक आम लिया है और इसको मैं दोनों तरफ से कट करूँगी। और कट करने के बाद इसका सारा पल्प निकाल लूँगी मैं एक मिक्सर जार में। तो चलिए इसका पल्प निकाल के मैं लाती हूँ। तो ये देखिए, मैंने सारे पल्प निकाल लिया है और अब इसमें मैं ऐड करूँगी कंडेंस मिल्क। आपके पास हो तो आप ऐड करिए, नहीं भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी है, मेरा होममेड बना हुआ कंडेंस मिल्क है। तो मैं ये 2 चम्मच डाल रही हूँ। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी चीनी। चीनी मैं 2 चम्मच डालूँगी क्योंकि आम भी मीठा है और मेरा कंडेंस मिल्क ऑलरेडी मीठा है, तो इसलिए मैं चीनी कम डालूँगी। और इसमें मैं मलाई वाला दूध डाल रही हूँ, ये देखिए। और आपके पास अब अगर मैंगो एसेंस हो तो वो आप डाल दीजिए, मेरे पास नहीं था तो मैं अभी मैं मैंगो क्रश है तो वो मैं डाल देती हूँ 1 चम्मच। तो ये देखिए, मैंने 1 चम्मच मैंगो क्रश ऐड किया। और अब मैं जार लगा करके इसको प्यूरी बना लेती हूँ। तो चलिए ये देखिए, मेरी प्यूरी बनकर रेडी है, ये देखिए। लेकिन इसमें कलर नहीं है, तो कलर के लिए आप इस पर थोड़ा सा फूड कलर डाल दीजिए, बहुत अच्छा सा कलर आएगा। तो मैं भी इसमें फूड कलर ऐड करूँगी, ये देखिए। और अब इसे मैं फिर से पीस लूँगी। तो ये देखिए, इसका रेडी होगा। देखिए कितना सुंदर कलर आया है, एकदम येलो कलर हो गया, मैंगो एकदम जैसा होता है। और मैं अब इसे एक कढ़ाई में निकाल लूँगी। तो ये देखिए, मैं इसमें निकाल लेती हूँ, बहुत अच्छा सा पेस्ट तैयार हुआ है। और पूरा थोड़ा पोंछ लेती हूँ अच्छे से, जार में बहुत लगा हुआ है। तो चलिए अब इसे मैं गैस पे रखूँगी और इसका पाक तैयार करूँगी। तो ये देखिए, मैंने गैस पे रख दिया है, गैस मेरा ऑन है। और अब मैं इसे धीरे धीरे पकाऊँगी। और इसमें डालने के लिए मैंने कॉर्नफ्लावर लिया है और इसमें थोड़ा सा मैं दूध डाल करके इसका एक घोल तैयार करूँगी। तो ये देखिए, घोल तैयार हो गया है। और मैं इसे थोड़ा सा और पका लेती हूँ और फिर मैं थोड़ा थोड़ा ऐड करूँगी और इसको मिक्स करते जाऊँगी। तो ये देखिए, थोड़ा थोड़ा ऐड करना है और मिक्स करना है ताकि उल्टियाँ नहीं पड़े, नहीं चाहिए इसमें। बस जल्दी जल्दी चलाते जाइए और थोड़ा थोड़ा डालते जाइए। तो मैंने ये देखिए ऐड कर दिया है और इसको मैं अच्छे से पका लेती हूँ, थोड़ा सा और हो जाने देती हूँ गाढ़ा। तो ये देखिए, बहुत टेस्टी बनता है फ्रेंड्स, ज़रूर इसे एक बार बनाइए। अभी मैंगो का सीज़न है तो इसे ज़रूर बनाइए। देखिए कितना अच्छे से पक कर रेडी हुआ, कलर एकदम स्मूथ हो गया है और शाइनिंग भी कर रहा है। और इसे अब मैं गैस बंद करती हूँ और इसे मैं पहले एक बॉल में निकाल लेती हूँ और थोड़ा सा बैटर मैं एक अलग कटोरी में निकाल के उसमें ग्रीन कलर ऐड करूँगी। तो चलिए मैं इसे पलट लेती हूँ इस बॉल में। तो ये देखिए, मैंने इस तरह का साँचा लिया, ये केक वाला है, तो मैं इसी में इसको डालूँगी। तो ये देखिए, और चलिए मैं अब इसमें इसे डाल देती हूँ, हल्का ठंडा भी हो गया है बैटर। तो चलिए ये 1 कटोरे का मैं बैटर इसमें डाल देती हूँ। और थोड़ा सा बैटर में मैंने अलग किया हुआ है, उसमें ग्रीन कलर ऐड किया है, तो मैं 2 कलर में इसे बना रही हूँ। तो ये देखिए, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर मेरी एक मिस्टेक हुई है, मुझे ग्रीन कलर नीचे डालना था, लेकिन अब मैं पहले ये वाला डाल चुकी हूँ। तो चलिए मैं इसे अब ऊपर से डाल देती हूँ, ये मिसिंग मेरी से हो गई है, लेकिन आप ऐसा मत कीजिएगा। तो चलिए मैं ग्रीन कलर ऐड कर देती हूँ, क्योंकि मैं पलटूँगी तो ग्रीन कलर मेरा नीचे चला जाएगा, मुझे ऊपर दिखाना था। तो चलिए कोई बात नहीं, छोटी सी मिसिंग हो जाती है सभी से, डोंट माइंड। तो चलिए इसे मैं अच्छे से सेट कर देती हूँ और फिर इसे मैं फ्रिज में रख देती हूँ ठंडा होने के लिए, लेकिन इसे मैं फ्रीजर में रखूँगी ताकि सेट हो जाए अच्छे से। तो चलिए इसे मैं सेट करके ले आती हूँ। तो इसे मैंने, ये देखिए, फ्रीजर में रख दिया था
और अब ये सेट हो चुका है, इसे मैंने बाहर लाया और इसे अब एक प्लेट में मैं पलट लूँगी। इस थोड़ा सा टैप टैप कीजिए, आराम से ये निकल जाता है। ये देखिए निकल गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी मेरा ग्रीन कलर नीचे होता तो ऊपर में बहुत सुंदर दिखता वो। तो चलिए अब थोड़े से ड्राई फ्रूट्स के साथ इसे मैं गार्निशिंग कर देती हूँ। तो ये देखिए, ये पुडिंग मैंगो पुडिंग है, बहुत टेस्टी लगता है खाने में। गाइस आप भी बनाइए और मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा।